हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये एक ब्रांड रिव्यू वीडियो है। मैं आज आपके साथ मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं स्किन केयर की। देखिए, ये स्किन केयर से रिलेटेड जो भी मैं प्रोडक्ट आपको शेयर कर रही हूँ, ये सारे जेन्युइन हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ या जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो सब मैंने यूज़ किए हैं पर्सनली। मैं साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको देती रहूँगी। और अगर मैं बात करूँ मॉइस्चराइजर के विषय में, तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत से मॉइस्चराइजर शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो जो भी मैंने मॉइस्चराइजर आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उन सबको आप अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल कीजिए और कर सकते हैं उनको। और मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी रहता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, मॉइस्चराइजर से हमारा कुछ ना यूज करने से हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको मॉइस्चराइजर के विषय में डिटेल देना चाहूँ, तो मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक खास स्टेप होता है हमारी स्किन केयर रूटीन का। जी हाँ, मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप होते हैं। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी मॉइस्चराइजर मार्केट में उपलब्ध है। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी मार्केट में जो उपलब्ध है उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन पर लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, आप उनका भी इस्तेमाल अपने फेस पर या अपनी बॉडी पर कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर की अगर हम बात करें, तो मॉइस्चराइजर को अपने फेस के साथ साथ बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल विंटर सीजन में किया जाता है, क्योंकि विंटर सीजन में ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ड्राई स्किन वालों को ड्राइनेस की समस्या हमेशा रहती है, चाहे वो कैसा भी वेदर हो, ठीक है। और अगर विंटर सीजन की बात करें, तो विंटर सीजन में ड्राई स्किन वालों का बिना मॉइस्चराइजर का हाल आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि हम सांस के बिना जैसे नहीं रह सकते, वैसे ड्राई स्किन वाले बिना मॉइस्चराइजर के बिना नहीं रह सकते विंटर सीजन में, कुछ इस तरह से ऐसा समझ लीजिए आप। तो विंटर सीजन में आप मॉइस्चराइजर का भर भर के इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपको अगर पता है कि आपका स्किन टाइप क्या है और आपको कौन सा मॉइस्चराइजर सूट कर रहा है, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात ये मैं आपको अगर बताना चाहूँ, गर्मी चल रही है और इस समय गर्मी ज्यादा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, वो हमारे फेस पर और ज्यादा पिंक ऑयल ना बना दे, ज्यादा पसीना ना क्रिएट कर दे, मतलब स्वेट ना होने लगे हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा। हमें मतलब कहते हैं ना, जब हम ज्यादा लगा लेते हैं तो हमारी स्किन पैची दिखने लगती है। मेकअप करने के बाद भी आपकी स्किन ज्यादा चिपचिपी लगने लगती है, आपका मेकअप बाहर आने लगता है जो मेकअप करके बाहर निकलती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके अपने मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल कीजिए। किस मॉइस्चराइजर को कितनी मात्रा में हमें किस सीजन में किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारी डिटेल्स मैं अभी आपको देने वाली हूँ। देखिए, मॉइस्चराइजर के जो भी मैंने अभी खास स्टेप आपको बताया, ये तो जरूरी है ही है, लेकिन ये स्टेप जो जरूरी है आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर, चाहे वो ऑल स्किन टाइप हो या स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो, आप अगर विंटर सीजन में लगा रहे हैं, तो आप उसे आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। मतलब आपको जितनी नीड है उतना लगा सकते हैं। लेकिन बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन में अगर आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसे जिस तरह से यूज करते हैं उसी तरह से यूज कीजिए जैसे आप विंटर में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नीड कम लग रही है, तो कम मात्रा में लगाइए, लेकिन जरूर यूज कीजिए। मैं खुद यूज करती हूँ समर सीजन में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल, मैं खुद करती हूँ। अब आप सोच रहे इतनी गर्मी हो रही है, स्किन इतनी जल्दी स्वेट करने लगती है, आप कैसे यूज कर लेती हैं? जी नहीं, अगर आप मॉइस्चराइजर को अपने स्किन पे नहीं लगाएंगे, इसे स्किप करते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्किन में क्या हो जाएगा, मॉइस्चराइजर की नीड खत्म हो जाएगी। और फिर आपकी स्किन में अंदर से जो नेचुरल ऑयल्स आपकी ग्लैंड जो क्रिएट करती है, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट करने लगेंगे। इससे आपकी स्किन का जो पैटर्न होगा और जो टाइप होगा, वो दोनों ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट, अकॉर्डिंग टू वेदर रिएक्ट करती है। तो जिस हिसाब से वेदर है, आप प्रोडक्ट को स्किप ना करके उसे कम मात्रा में यूज कीजिए। तो चलिए मैं आज आपको ब्रांड के विषय में बता देती हूँ। ये बायोटिक की एडवांस आयुर्वेदा रेंज है, जो मैंने आपके साथ जिसका एक प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं अगर इस मॉइस्चराइजर के विषय में बात करूँ, ये आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इसके विषय में बात करूँ, तो ये भी एडवांस की आयुर्वेदा की रेंज का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। क्योंकि बायोटिक में बहुत सारी स्किन केयर की रेंज है, तो उसमें से मैंने एडवांस आयुर्वेदा की रेंज को मैंने चॉइस किया था। क्योंकि इसमें आयुर्वेदा का मतलब हो गया कि इसमें नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल किया है, नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये बायो वाइट ऑर्चिड क्या है? बायो वाइट ऑर्चिड एक तरह का नेचुरल हर्ब्स है, जो हमें नेचर से मिलता है, जिसका इस्तेमाल हमें अपनी स्किन पर, हमें अपनी बॉडी पे करना होता है। अगर मैं इसके विषय में बात करूँ, फॉर एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग एंड रेडियंस। देखिए, ब्राइटनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने इसको पहले वीडियो में भी आइडेंटिफाई कर दिया था, मैं इसको फिर से आइडेंटिफाई कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम आपको गोरा नहीं बनाएगी, कोई भी मॉइस्चराइजर ब्राइटनिंग अगर इसमें लिखा है, तो वो आपको गोरा नहीं बनाएगी। बल्कि अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी की, आपकी स्किन टेक्सचर को, आपके फेस के फीचर्स को, आपकी स्किन के जो भी कह लेते हैं ना, उसकी जो फ्लॉलेस होती है, उसकी जो शाइन होती है, उसका जो लस्टर होता है, उसे गायब होने से बचाती है। मतलब आपके फेस फीचर एकदम क्लियर दिखाई देंगे, आपके चीक बोन, आपके बोन आईब्रो एरिया, आपके फॉरहेड, ये सब आपके फेस फीचर्स हैं। ये आपके फेस फीचर्स में किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको रिमूव करेगी, आपके फेस फीचर्स को एनहेंस करेगी, आपकी स्किन में एकदम शाइन लस्टर लाएगी। इसलिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और अगर किसी भी मॉइस्चराइजर में अगर नेचुरल हर्ब्स ऐड कर दिए गए हैं, तो उसकी जो प्रोडक्ट जो वैल्यू होती है, वो ज्यादा एडवांस्ड हो जाती है। इसलिए इसका नाम एडवांस्ड आयुर्वेदा है।
नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक चीजें पड़ी हैं एडवांस, इसलिए क्योंकि आपकी स्किन टेक्सचर को बिना किसी प्रॉब्लम के इसको क्या कर सकती है, इसको अच्छा बना सकती है। जो प्रॉब्लम आपकी स्किन में होगी उसे भी रिमूव करेगी और दूसरी प्रॉब्लम आने भी नहीं देगी और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी काफी फाइन कर देगी, काफी अच्छा कर देगी। तो ये ऑर्चिड जो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि बना है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये 100% वेगन प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 180 ml है। और अगर मैं इसके और दूसरे विषय पे बात करूं, खास इंग्रेडिएंट इसमें इतना छोटा छोटा लिखा है कि मुझे इसे बहुत महीन से देखना पड़ रहा है। इसका इस्तेमाल मतलब ये एक तरह से बॉडी लोशन है और इसमें कुछ मैंने आपको बताया दिया कि इसमें नेचुरल हर्ब्स है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। इसमें आमंड ऑयल है, आमंड सीड ऑयल है और उसके साथ साथ आपको, और मैं अगर बात करूं तो इसमें एक्स्ट्रा और मसूर सीड्स है, मसरूर सीड्स, नारकेला सीड्स, मतलब हर तरह के इसमें सीड्स और इसमें ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है। मूल बुडागा सीड्स, मतलब ज्यादातर इसमें सीड्स का इस्तेमाल किया गया है ऑयल्स को मिक्स करके। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह काम नहीं करता है, ये एक आयुर्वेदिक रेंज है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह ये काम नहीं करता है। और अगर मैं इसे बताऊं तो मैंने जो प्रोडक्ट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है और जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये मैंने पर्पल से बाय किया हुआ था और जब पर्पल की सेल चल रही थी तो कुछ पर्पल से जब हम बाय करते हैं ना, मैं आपको ये बता दूं कि उसमें मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एज आपको सैंपल के फॉर्म में फ्री मिलते हैं। जो भी सैंपल के फॉर्म में आपको फ्री मिलेंगे वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने प्रोडक्ट जब बाय किया था तो मुझे कौन से प्रोडक्ट सैंपल के फॉर्म में फ्री मिले थे। तो इसका आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से खुलता है और कुछ इस तरह से बंद होता है। और मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, एकदम रनी फॉर्मूला है। बात करते हैं साथ ही साथ मैं आपको स्किन टाइप, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है तो इसको ड्राई स्किन टाइप वाले अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे वो कैसा भी वेदर हो, नॉर्मल स्किन टाइप वाले भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख लेते हैं एकदम रनी फॉर्म में था, मतलब ये क्रीम कम वाटर बेस्ड ज्यादा है तो ऑयली स्किन टाइप वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं एक्ने प्रोन स्किन वालों की तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन में अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या को ये कम करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं आज आपके साथ ये बता दूं जो मैंने पहला प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, लेकिन इसकी बात करूं तो जो ऑर्चिड जैसा नाम है वैसे ही फ्रेग्रेंस, मतलब इस फ्लावर की उसमें फ्रेग्रेंस है, मतलब आपको ऐसी फ्रेग्रेंस आपने शायद ही कभी आपने महसूस की होगी, कभी अभी आपने इसको एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि जब मैं इसे यूज करती हूँ तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे इस हर्ब्स का इस्तेमाल इसमें ऑलरेडी किया हुआ है उसी की है, आपको ऐसा फील होगा। तो ये था आज का प्रोडक्ट। तो ये रिव्यू आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मेरी वीडियोज को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।